स्टूडेंट, वेब डिजाइन कॉन्सेप्ट का ये पार्ट टू है, ठीक है, एमसीक्यू में। ठीक है, अगर आपने पहला पार्ट देख लिया है तो उसके लिए थैंक यू। इस पार्ट को भी कुछ देख लिए, झेल लीजिए। ठीक है, इसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको बेसिक वेब डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा बहुत एक्सएमएल का क्वेश्चन जो है लास्ट में मैंने ऐड किया है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। आर द फिजिकल मीटिंग पॉइंट ऑफ बैकबोन। ठीक है, फिजिकल मीटिंग पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं गेटवे। गेटवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो गेटवे ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, WSFTP इज ए एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, WS का फुल फॉर्म होता है विन सॉक, FTP का फुल फॉर्म होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो नाम है एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोग्राम, तो किसका है, नाम से लग रहा है FTP। ठीक है, तो FTP ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेबल फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंप्यूटर। मैंने बताया था जब भी रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा टेलनेट। टेलनेट के थ्रू ही हमारा रिमोटली एक्सेस करते हैं। द लीडिंग बिट पैटर्न ऑफ क्लास बी नेटवर्क इज। तो आईपी एड्रेस आपकी क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, इस तरह से क्लासेस होती हैं। तो हर क्लास का अपना कुछ है स्टार्टिंग जो आपका कुछ वो होता है बिट होता है वो फिक्स होता है। जैसे आपका अगर मैं क्लास ए की बात करूँ, ये क्लास ए की बात करूँ, तो स्टार्ट में जो है वो जीरो फिक्स होता है। जीरो के बाद आप कुछ भी आईपी एड्रेस रख सकते हो, जीरो के बाद आप कोई भी कॉम्बिनेशन 1010 जो करके कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जीरो फिक्स होगा। ठीक है, इस तरह से बी क्लास में क्या होगा, वो आपका 10 फिक्स होता है, उसके बाद कुछ भी रखो। सी क्लास में 110 फिक्स होता है, उसके बाद आपको कोई भी यहाँ पर आगे रखो। ठीक है, डी क्लास में आपका 1110 फिक्स होता है, और ई क्लास में पकड़ जाते हैं तो 1111 चार बार 1 होगा तो वो फिक्स होता है, उसके बाद आप कुछ भी आईपी एड्रेस आगे जो भी रखना वो रखो। तो इस तरह से हम आईपी एड्रेस को जो है वो फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो क्लास का जो आईपी एड्रेस ऑलरेडी हमने पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द एट्रीब्यूट एड स्पेस विद इन ईच सेल। तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है विद इन होगा, अगर बिटवीन होता तो अलग होता, लेकिन विद इन की बात करें, विद इन मतलब सेल के अंदर ही। ठीक है, उस सेल के अंदर जब बात करते हैं तो हम पैडिंग की बात करते हैं, सेल के बीच में, दो सेल के बीच की बात करते हैं तो स्पेसिंग की बात करते हैं। तो सॉरी, इसका मैं आंसर लगाना भूल गया, इसका आंसर आपका जो है आपका वो है 10। तो यहाँ पर देखो सेल के अंदर, जैसे आपके यहाँ जब टीवी भी खरीदा जाता होगा तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर थर्माकोल लगे होते थे जैसे टीवी को सेफ बचाने के लिए। तो थर्माकोल का जो होता है वो क्या करता है, बॉर्डर से मतलब आपका जो गत्ता होता है, गत्ता से टीवी के बीच में डिस्टेंस मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, पैडिंग कहलाता है। ठीक है, अगर दो अलग अलग टीवी है, दोनों के टीवी के बीच में आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो तो स्पेसिंग हो गए। तो सेल स्पेसिंग आपका होगा दो सेल के बीच में स्पेसिंग, और सेल पैडिंग मतलब होता है सेल के अंदर की गैपिंग, मतलब सेल के बॉर्डर से कंटेंट की जो गैपिंग होती है तो वो आपका जो स्पेसिंग होती है वो क्या है। तो यहाँ पर आप विद इन सेल की बात कर रहे हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा आपका, वो सेल पैडिंग। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आर द टू पॉपुलर नेटवर्क पॉपुलर प्रोटोकॉल डेट अलाउ होम कंप्यूटर यूजर टू कनेक्ट देयर कंप्यूटर टू द इंटरनेट एज पर होस्ट। ठीक है, तो ये दो कौन कौन से होते हैं, वो दो होते हैं आपके SLIP जिसका फुल फॉर्म होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, और दूसरा होता है PPP मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इन्हीं दोनों के थ्रू आप जो है कनेक्ट करते हो इंटरनेट से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। ठीक है, HTTP SMTP तब काम आता है जब आप उस पर इंटरनेट यूज करते हो, या कोई मेल से SMTP का काम आता है जब से कोई मेल सेंड करते हो, तो तब का ये अलग का काम है, पहले कनेक्ट करने के, यहाँ खाली कनेक्ट करने के लिए पूछा गया, तो ये दोनों प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। अपॉन रिक्वेस्ट इज अनोन, रिक्वेस्ट इज नोन एज। ठीक है, DNS सर्वर। तो DNS सर्वर का काम क्या होता है, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करना, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर जहाँ भी आपको मिल जाए डोमेन नेम आईपी एड्रेस, और डोमेन नेम आईपी एड्रेस, होस्ट एड्रेस डोमेन नेम गलत है, डोमेन नेम सर्वर एड्रेस गलत है, सर्वर नेम आईपी एड्रेस, तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा यही हो जाएगा कि यहाँ पर जो कंप्यूटर ट्रांसलेट करता है कि इसका डोमेन नेम से
आईपी एड्रेस में वायर्स बढ़ता हूँ, मतलब आईपी एड्रेस से डोमेन, तो ये आपका डोमेन सर्वर का ही काम होता है आपका, ठीक है। डोमेन सर्वर क्या करता है आपका, जो भी आपने लिखा www.google.com, तो ये कन्वर्ट कर देगा किस में, आईपी एड्रेस में। वहां से आईपी एड्रेस आएगा तो यहाँ पर आपके ब्राउजर पर किस में कन्वर्ट कर देगा, डोमेन नेम में, ठीक है। तो इसका तामझाम यही काम होता है, ठीक है। नेम आइडेंटिफाई द यूजेज ऑफ यूआरआई इन HTML। URL लास्ट वीडियो में बताया था URL का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट और रिसोर्स, सही है इसका, ठीक है। लिंक टू एन एक्सटर्नल सीट और स्क्रिप्ट, ये भी सही है। क्रिएटिंग एन इमेज में, ये तीनों काम आपका जो होता है वो आपका वो URI का होता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका वो डी वाला हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जो हो डी का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अभी तक झेला, इसके लिए थैंक यू, आगे झेलते रहिए। 20 क्वेश्चन है इसमें टोटल। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एन ऑर्डर लिस्ट इज आ, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में आपको मालूम है नंबर होते हैं, ठीक है। एंड अनऑर्डर लिस्ट इज ए बुलेट, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट में हम नंबर यूज करते हो, तो पहला क्या बुलेट, नंबर गलत है। तो ऑर्डर लिस्ट में बुलेट नहीं होता, बुलेट नहीं होता, टेबुलर नहीं होगा, नंबर, हाँ पहले में नंबर होता और अनऑर्डर लिस्ट में वो बुलेटेड होता। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिंक टू अनदर प्लेस इन इन द सेम और अनदर पेज रिक्वायर टू टू एंकर टैग, ठीक है। फर्स्ट विद द, ठीक है, फर्स्ट विद द किसके साथ और सेकंड विद द किसके साथ, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट में अभी से बात, पहला जो होगा जब लिंक करोगे तो सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट HRF तो लगाना पड़ेगा, हाइपर रेफरेंस लगाना पड़ेगा। और दूसरे में जो होगा वो नेम लगाना पड़ता है। दो नॉर्मली आप ऐसे चेक कर सकते हो, लिंक नेम तो जो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, लिंक कोई एट्रीब्यूट नहीं होता एंकर टैग का, तो ये पहला तो ऐसे गलत हो गया। दूसरा लिंक भी कोई एट्रीब्यूट नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया। टारगेट एट्रीब्यूट होता है लेकिन वैल्यू कोई एट्रीब्यूट नहीं होता इसका। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वो HRF और नेम। तो पहले में HRF लगता है, ठीक है, जहां से आपको लिंक करना हो, जहां पर लिंक करना हो वहां पर नेम यूज किया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट XML स्टैंड्स, और यहाँ से थोड़ा कुछ, यहाँ से जो है आपका 10 क्वेश्चन जो है XML के हैं। तो XML स्टैंड्स फॉर, XML क्या क्या होता है आपका, XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। तो देख लो पहला ही आपका आंसर सही है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट XML फॉर्मेट हैज ए सिंपलर सेट ऑफ, ठीक है। सिंपलर सेट ऑफ क्या होता है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बोलते हैं वो आपको होता है पार्सिंग रूल होता है। पार्सिंग कुछ रूल, इनके रूल होते हैं, उस रूल के हिसाब से आपको जो है सारे टैग जो है डिफाइन करने होते हैं। तो कुछ सिंपलर सेट ऑफ पार्सिंग रूल होते हैं, उसके हिसाब से आपको सारे काम करने पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले जाए, कुछ भी लिख दिया तो XML रन कर ले जाएगा। उसमें कुछ भी स्ट्रक्चर होगा, उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट All information is XML is, तो सारी इन्फॉर्मेशन XML में क्या होती है, इसको बोलते हैं यूनिकोड टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एन एंटिटी इन XML इज, ठीक है, एंटिटी क्या होता है, एंटिटी जो होता है वो कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल इन्फॉर्मेशन स्टोरेज यूनिट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बोला जाएगा जो भी एंटिटी यहाँ पर यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं तामझाम में, ठीक है। A tool for reading XML document is popularly called a, ठीक है, क्या बोला जाता है, ठीक है। तो क्या XML delimiters, नहीं ये नहीं बोला जाता है। XML processor, हाँ ये सही है, ठीक है। XML, ठीक है, parser, हाँ ये दो, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो both B and C, ठीक है। ये आप यहाँ पर दोनों के थ्रू जो है आप जो है रीड कर सकते हो XML document को, ठीक है। XLS, ठीक है, XLS का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंसिव स्टाइल सीट लैंग्वेज। एक्सटेंसिव स्टाइल सीट लैंग्वेज होता है, तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक्सटेंसिव स्टाइल सीट लैंग्वेज, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट XML टैब्स आर केस सेंसिटिव, इन केस सेंसिटिव, इजी, डिफिकल्ट। तो हाँ केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, हमको अपर केस और लोअर केस के हिसाब से जो है उसको देना पड़ता है, ठीक है। 18 इन XML द एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी कोटेड विथ, ठीक है। तो डबल को याद रखना, एट्रीब्यूट हमेशा जो होता है डबल कोट में ही लिखे जाते हैं, सिंगल कोट में नहीं लिख सकते हैं। तो डबल कोट में ही यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो देनी पड़ती है, ठीक है।
एलिमेंट फ्रॉम द एचटीएमएल नेम स्पेस आर डिस्प्ले एज दे वुड बी इन, ठीक है, डी एचटीएमएल एक्सएमएल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एक्सएमएल में ही होगा, तभी यहाँ पर एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है. नेक्स्ट, एंड डैश ब्लॉक कैन बी इम्बेडेड अ सी एस एस स्टाइल शीट विद इन द एक्सएमएल. तो इसके लिए जो होता है हमको यूज करना पड़ता है, वो यूज करना होता है एचटीएमएल स्टाइल का, इसका यूज करके हम जो है सी एस एस का यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो अगर आपने लास्ट तक देखा, लास्ट तक झेला, इसके लिए थैंक यू. अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो, आगे भी झेलते रहो, ठीक है. आगे भी बहुत सारे वीडियो आएंगे, इस तरह से पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, ठीक है. तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जाके अभी अगर टाइम टाइम है तो आगे का वीडियो देख लें, अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, जाके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर लें. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.